क्या यह माना जाए कि सरकार का अगला कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा? क्योंकि मोहन भागवत ने, आरएसएस के चीफ ने जिस तरीके से एक बयान दिया कि अब आंदोलन करने जा रही है आरएसएस इस बात को लेकर के, और ऐसे में पहले 3 तलाक, 370, सीए, राम मंदिर, इन तमाम चीज़ों के बाद में अब ऐसा माना जा रहा कि आबादी पर अंकुश लगाने वाला, जनसंख्या नियंत्रण करने वाला कानून मोदी सरकार लेकर के आएगी, और इसी बात का जिक्र किया है आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तीन तलाक, आर्टिकल 370 और राम मंदिर के बाद अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की दिशा में गौर कर रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का अगला एजेंडा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में आंदोलन करना है। आरएसएस हमेशा से दो बच्चों के समर्थन में रहा है। बढ़ती आबादी देश के विकास में रुकावट है। अब इस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। सरकार को चाहिए कि इस पर कानून बनाए। मोहन भागवत के इस बयान पर मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह को मानो बिन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने फौरन आरएसएस प्रमुख के बयान का स्वागत और समर्थन किया। लोग इसे धर्म के चश्मे से ना देखें, वोट के चश्मे से ना देखें, और नवाब मल्लिक और जो पाठ पढ़ा रहे हैं मोहन भागवत को पाठ पढ़ाने का ज्ञान अभी 3 जन्म में लें। उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान पढ़ना चाहिए, चाइना को देखना चाहिए, और ये समाज को स्वीकारना पड़ेगा। ये जोर जबरदस्ती का सवाल नहीं है। जब कानून होता है तो कानून सबको मानना पड़ता है। संघ प्रमुख के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ राज्यों में पहले से ऐसे कानून होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी करवाना चाहते हैं तो मोदी जी कानून लाएं। हमने देखा है कि अतीत में भी ऐसा करने पर क्या हुआ है। आई थिंक ही डजंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस इशू। देयर इज अ लॉ इन द महाराष्ट्र, नो वन हैव थर्ड चाइल्ड कैन कॉन्टेस्ट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस, नो कैन गेट एनी रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट, मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट एलिजिबल फॉर देम। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आंदोलन को आरएसएस का अगला एजेंडा बताया। मगर बीते वर्षों में बीजेपी आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिसमें वो हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा देते देखे गए हैं। बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान से इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार की प्राथमिकता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।